स्वागत है आप सभी का राजधानी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन लेके आए हैं एग्रोनॉमी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, है ना। एग्रोनॉमी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी, है ना, मौसम विज्ञान। तो उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं ना, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, है ना, कि जो राजधानी फाउंडा है उसकी तरफ से फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है जो कि कब हैंड होगा, 29, 30 और 31 मार्च को। 29, 30 और 31 मार्च को इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, है ना। और ऑफलाइन टेस्ट होगा, तो आप यदि इस टेस्ट में 1 से 3 रैंक तक लाते हैं तो आपको 100% क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, है ना। बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है आपके लिए, है ना। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है ना, तो वो ये टेस्ट देकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकता है, है ना। 4 से 7 तक यदि कोई बच्चा रैंक लाता है तो 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी, है ना। यदि 8 से 13 80%, है ना। इसी प्रकार यदि 31 से 1000 तक भी यदि कोई बच्चा रैंक लाता है तो उसको भी 20% स्कॉलरशिप दी जाएगी, है ना। यानी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं, है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना, बिल्कुल बेसिक से। और प्रत्येक चैप्टर में, है ना, जितने भी माइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, ना, जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन जो हो सकते हैं, है ना, आसान से आसान और कठिन से कठिन, वो अपन लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला और एग्रोनॉमी का सबसे आसान, है ना, जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, अरबी भाषा का है, या लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का है। तो एग्रोनॉमी जो है वो किस भाषा का शब्द है। देखिए, सबसे पहले पर बात करते हैं एग्रीकल्चर की। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की, है ना। जिन शब्दों के पीछे भूपेंद्र डांगी ए, देखते हैं अभी बी, 2 मिनट में आंसर भी चेंज कर दिया। तो जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हो, जिन शब्दों के पीछे, बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप सब लोगों को पता होगा कि जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हो, क्या लगा हो, कल्चर, वे हमेशा ही किस भाषा के होते हैं, लैटिन भाषा के होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, जैसे क्या है, हॉर्टिकल्चर है, है ना, जैसे क्या है, एपिकल्चर है, जैसे क्या, सेरिकल्चर है। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लग गया है, इसका मतलब वे लैटिन भाषा के ही होंगे, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। यदि किसी शब्द के पीछे लगा है लॉजी या नॉमी, जैसे एग्रोनॉमी है, जैसे क्या है, एग्रोनॉमी है, जैसे क्या है, पेडोलॉजी है, जैसे क्या है, पेडोलॉजी है, जैसे क्या है, मेट्रोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, है ना। तो जिन शब्दों के पीछे नॉमी या लॉजी लग गया, इसका मतलब है किस भाषा के होंगे, वे होंगे ग्रीक भाषा के। किस भाषा के, ग्रीक भाषा के होंगे, ठीक है भाई। एक शब्द होता है पोमोलॉजी, एक शब्द होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब क्या है, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। ये एकमात्र अपवाद होता है, ये क्या होता है, एकमात्र अपवाद होता है ये लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक, दोनों भाषाओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पोमोलॉजी का मतलब क्या है, फलों का अध्ययन, है ना, ये लैटिन प्लस ग्रीक,
जिन शब्दों के अंत में कल्चर लगा हुआ है वे लैटिन भाषा के हैं, जिन शब्दों के अंत में लॉजी या नोमी है वो ग्रीक भाषा के हैं, है ना, जैसे एग्रोनॉमी है, पेडोलॉजी है, सारे के सारे कौन सी भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लें, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कृषि विज्ञान, इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो क्या है, सस्य विज्ञान है, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी। दो नंबर पे क्या है, उद्यान विज्ञान है, है ना, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद क्या है, पशुपालन। तो अपन यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सस्य विज्ञान की, है ना, एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर की तीन ब्रांचेस है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अपन बात किसकी करेंगे, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी की। अब जो एग्रीकल्चर शब्द है वो भी किस भाषा का होगा, कल्चर लगा हुआ अंत में तो किस भाषा का होगा, लैटिन भाषा का होगा। ये भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, एग्रिक प्लस कल्चरा, एग्रिक प्लस कल्चर। एग्रिक का मतलब क्या होता है, सोइल यानी मृदा। एग्रिक का मतलब क्या है, मृदा। और कल्चर का मतलब क्या है, कल्टीवेशन यानी खेती करना, कल्टीवेशन यानी खेती करना। अर्थात क्या मतलब हुआ एग्रीकल्चर का, कि मृदा में खेती करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर बेसिक से। दो नंबर पे है एग्रोनॉमी, दो नंबर पे क्या है, एग्रोनॉमी है, ठीक है। तो जो एग्रोनॉमी है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या है, खेत या फील्ड, खेत या फील्ड। और नोमोस का मतलब क्या है, प्रबंधन करना, नोमोस का मतलब क्या है, प्रबंधन करना। खेत का प्रबंधन ही क्या है, एग्रोनॉमी है। तो याद रखना कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, है ना, एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के पितामह, सस्य विज्ञान के पितामह किन्हें कहेंगे भाई, पीटर डी सक्रेंजी, पीटर डी स्क्रेन, ठीक। यदि आपसे पूछ लिया जाए, है ना, मौसम किस भाषा का शब्द है, मौसम हो गया, है ना, जलवायु हो गया, अपन बात किसकी करेंगे, मेट्रोलॉजी की, है ना, मौसम जलवायु, तो मौसम है, जलवायु है, है ना, ये किस भाषा के शब्द हैं, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक। यदि आपसे पूछ ले कि गन्ना किस भाषा का शब्द है, शुगर, शुगर जो है वो, शुगर केन जो है वो किससे मिलकर बनता है, शुगर यानी शर्करा, शर्करा संस्कृत भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, संस्कृत। मानसून किस भाषा का शब्द है, मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द। ये तो बात होगी भाषा की, है ना, कि जिन शब्दों के पीछे कल्चर लैटिन कल्चर लगा हो लैटिन भाषा के, जिन शब्दों के पीछे लॉजी या नॉमी लगा हो वो ग्रीक भाषा के। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, एग्रोनॉमी पीछे क्या लगा है, अभी क्या लगा है, नॉमी। इसका मतलब क्या है, किस भाषा का शब्द होगा, बी ग्रीक, बिल्कुल भी, किस भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी के पितामह किन्हें कहा जाता है, एग्रोनॉमी के पितामह किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, जेथ्रो टुल, डोक्यूचे, पीटर डी सक्रेंजी या वॉन हेलमोल्ट, या वॉन हेलमोल्ट। एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास भी लेंगे भाई, है ना। गुड इवनिंग सरिता, जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक अवश्य करें, है ना, शेयर भी करें, ताकि जिन बच्चों को पता नहीं है उन्हें पता लगे, वे भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो एग्रोनॉमी के पितामह, अभी भी मैंने बताया किनको बोलेंगे, पीटर डी सक्रेंजी, एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के पितामह। अब बात करें जेथ्रो टुल की,
जेथ्रो टूल क्या है? ये है खरपतवार, है ना, यानी वीट, और भू परिष्करण यानी टिलेज के पितामह। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई, HHH, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, HHH, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है। अब डोक्यूचेव क्या है? डोक्यूचेव है मृदा विज्ञान के पितामह, है ना, मृदा विज्ञान के पितामह। इनके पितामह मृदा विज्ञान के, वॉन हेलमोंट, इनका भी एक बहुत अच्छा योगदान है वॉन हेलमोंट का। इन्होंने क्या कहा कि जो कोई भी वेजिटेशन है, कोई भी वनस्पति है, कोई भी वनस्पति है, उनके लिए मेन प्रिंसिपल क्या होगा, मेन मुख्य सिद्धांत या मुख्य प्रिंसिपल क्या होगा? पानी। क्या होगा? वाटर, ठीक है। तो ये चीज जो है वो किसने बताई? वो बताई वॉन हेलमोंट ने, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है एग्रोनॉमी के पितामह, वो क्या होगा? पीटर डी सक्रेंजी, पीटर डी सक्रेंजी, ठीक है। आगे बात समझ में, गुड इवनिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक ने कहा कि वनस्पति का मुख्य सिद्धांत जल है? कोई भी वनस्पति है, कोई भी वेजिटेशन है, ठीक है, तो उसका मुख्य सिद्धांत जल है। जेथ्रो टूल ने, डोक्यूचेव ने, पीटर डी सक्रेंजी ने, या वॉन हेलमोंट ने? अभी भी मैंने बताया वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट, है ना, सही उत्तर क्या चला जाएगा? वॉन हेलमोंट, बिल्कुल बिल्कुल भी सरोज। ए वैल्यू, ई वैल्यू और एल वैल्यू, कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि जो ए वैल्यू है, ई वैल्यू है, वो एल वैल्यू है, वो किनके द्वारा दी गई और किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है, कौन से न्यूट्रिएंट, कौन से पोषक तत्व से संबंधित है, है ना? फॉस्फोरस से है, नाइट्रोजन से है, पोटेशियम से है, या मैग्नीशियम से है? तीनों वैल्यूज का जो संबंध है वो किससे है? फॉस्फोरस, किससे है? फॉस्फोरस, है ना। तो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट है, उसका पता लगाने के लिए इन तीन वैल्यूज का यूज किया जाता है। जो ए वैल्यू है वो किसके द्वारा दी गई? डी ई ए डीन एंड फ्राइड, डीन एंड फ्राइड। ई वैल्यू किसके द्वारा दी गई, है ना, आर यू डबल एस ई एल, रसेल, किसके द्वारा दी गई? रसेल के द्वारा। एल वैल्यू लार्जन, है ना, एल से क्या है? लार्जन है। एल से क्या है? एल वैल्यू है। ई से, ई वैल्यू, ई से रसेल। ए से डीन, इसका सेकेंड लास्ट क्या है? ए डीन, ठीक है, याद रखने के लिए। एल लार्जन, ई रसेल, ए डीन। टू फोर डी, टू फोर डी के खोजकर्ता कौन है? मुलर है, पोकोर्नी है, डोनाल्ड है, बेंच है। टू फोर डी क्या है? खरपतवार नाशी है। क्या है? एक खरपतवार नाशी है ना। उपयोग जो है वो चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जल्दी से बताएं भाई, टू फोर डी के खोजकर्ता कौन है? सर सीयूटी में ईमेल आईडी करेक्शन हो जाएगा क्या? मोहित, अभी तो शायद नहीं होगा, अभी 26 तारीख लास्ट है ना सीयूटी की,
हो सकता है जैसे ही फॉर्म भर जाए उसके बाद में एडिटिंग का ऑप्शन आए, है ना, एक दिन दो दिन जो फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया है यदि उनके अंदर कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो एडिट कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा, है ना, होता है लगभग। नीरज सैनी ए, सोनल सिंह ए, मुलर, है ना, 2D के खोजकर्ता कौन है अभी, पोकोर्नी है ना, 1941 में खोज की 2,4-D की। मुलर पे, मुलर क्या है, मुलर जो है वो DDT के खोज करता है, के खोज करता है DDT के। 2,4-D का पूरा नाम क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, 2,4-Diphenoxy एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, 2,4-Diphenoxy एसिटिक एसिड, बिल्कुल भाई। डोनाल्ड, है ना, डोनाल्ड ने क्या किया, डोनाल्ड ने दिया हार्वेस्ट इंडेक्स, क्या दिया, हार्वेस्ट इंडेक्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन, है ना, ठीक है। जीरो टिलेज शब्द किसने दिया, बात आती है टिलेज, है ना, तो टिलेज तो किसने दिया, जेथ्रो टुल ने, टिलेज किसने दिया, जेथ्रो टुल ने। अब जीरो टिलेज की बात करें तो जीरो टिलेज किसने दिया, टिपलेट ने, ऑर्थर यंग ने, जेथ्रो टुल ने या डोक्यूचेव ने, किसने दिया भाई, नीरज सैनी, राम राम भी, अवनीश, जल्दी से बताएं भाई, है ना, जो जीरो टिलेज है वो शब्द जो है वो किसने दिया, सही उत्तर क्या होगा, जीबी ट्रिपलेट, क्या होगा, जीबी ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब क्या, ट्रिपल एट, 3-8, है ना, और 3-8 में क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, है ना, जीरो जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो टिलेज, जीरो टिलेज, है ना, तो याद रखने के लिए जीबी ट्रिपलेट, है ना, 3-8 मतलब जीरो 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 जीरो, तो जीरो टिलेज, ठीक है भाई। किस बिंदु पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फारेनहाइट तापक्रम स्केल जो है वो समान होते हैं, है ना, किस बिंदु पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फारेनहाइट तापक्रम स्केल समान होते हैं, ये माइनस में है अभी, -40, है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड व -40 डिग्री फारेनहाइट, -55 या -55 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 डिग्री फारेनहाइट व -80 डिग्री सेंटीग्रेड या सभी, किस तापक्रम पर, अच्छा क्वेश्चन है कि किस तापक्रम पर, है ना, जो डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फारेनहाइट है वो समान होते हैं, इक्वल होते हैं, कौन सी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, ये चल रही है अभी एग्रोनॉमी, है ना, कौन सी है, एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी में भी चैप्टर वाइज, है ना, और चैप्टर कौन सा है, मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, यानी मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। जेट का एग्जाम कब है, जेट का एग्जाम है भाई 2 जून को, कब है 2 जून को, 2 महीने आपके पास हैं, अच्छे से तैयारी करें। प्रश्न ही चला गया भाई,
चलो कोई ना, उसका उत्तर क्या होगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना, -40 डिग्री फारेनहाइट, है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड व -40 डिग्री फारेनहाइट पर, जो डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फारेनहाइट है वो समान होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम तापमापी में कांच की छड़ में क्या भरा रहता है? एक होती है न्यूनतम तापमापी, और एक है अधिकतम तापमापी। न्यूनतम तापमापी वह अधिकतम तापमापी, तो जो न्यूनतम तापमापी है उसमें कांच की छड़ में क्या भरा रहता है? पारा, अल्कोहल, दोनों या कोई नहीं? पारा, अल्कोहल, दोनों या कोई नहीं? अब न्यूनतम तापमापी है तो उसके अंदर अल्कोहल भरा रहता है, भी क्या भरा रहता है? अल्कोहल, ठीक है। अब न्यूनतम तापमापी जो है वो दिन का किसके लिए उपयोग की जाती है? वो दिन के न्यूनतम तापमान को मापने के लिए की जाती है ना। और न्यूनतम तापमान कब मापा जाता है? सुबह 4 बजे, है ना, और अधिकतम तापमान दोपहर को 2 बजे। कब मापा जाता है? 2 बजे। अब जो न्यूनतम तापमापी है उसके अंदर भरा रहता है अल्कोहल, जो कांच की छड़ है उसके अंदर क्या भरा रहेगा? अल्कोहल। और जो अधिकतम तापमापी है उसके अंदर भरा रहता है अभी पारा, है ना, पारा यानी मरकरी यानी HG, ठीक है। अब न्यूनतम तापमापी में अल्कोहल क्यों भरा रहता है? क्यों? क्योंकि जो कम तापमान है, कम तापमान पर पारा फ्रीज हो जाता है, जम जाता है ना, तो टेम्परेचर दिखा नहीं पाता, इसीलिए अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो कम तापमान पर जमता नहीं, कम तापमान पर फ्रीज नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या चला जाएगा? अल्कोहल, है ना। तो न्यूनतम तापमापी में कांच की छड़ में अल्कोहल भरा रहता है, अधिकतम तापमापी में कांच की छड़ में पारा भरा रहता है, न्यूनतम तापमान जो है वो दिन में सुबह 4 बजे मापा जाता है, और अधिकतम तापमान जो है वो दिन में 2 बजे मापा जाता है, दोपहर को 2 बजे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की सतह का तापमान, कोई भी पौधा है तो प्लांट सरफेस, पौधों की सतह का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पौधों की सतह का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? थर्मिस्टर के द्वारा, न्यूनतम तापमापी, अधिकतम तापमापी, या इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा, या इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा। गुड इवनिंग शिवानी। या इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो जो पौधों की सतह है, क्रॉप कैनोपी, है ना, इसको क्या बोला जाता है? क्रॉप कैनोपी। जो पौधों की सतह है या ऊपरी भाग है उसका तापमान मापने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड थर्मोमीटर का, है ना, किसका उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड थर्मोमीटर का। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? बार क्या है? बार व पास्कल दोनों ही क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने की यूनिट है, इकाई है, है ना, वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई क्या है? बार व पास्कल है, ठीक है। तो एक बार में कितने पास्कल होते हैं? एक बार में 1,00,000 पास्कल होते हैं, क्या है? एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 1,00,000 पास्कल होते हैं, और एक बार में 0.1 मेगा पास्कल होते हैं, एक बार में 0.1 मेगा पास्कल और एक बार में 1,00,000 पास्कल। बिल्कुल भी नीरज सैनी, डी बिल्कुल, 1,00,000 पास्कल होते हैं एक बार में, ठीक है। अब सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 7 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 500 सेकंड, या 3 व 4 दोनों?
तीन व चार दोनों, कितना समय लगता है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? है ना, 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो समय तो लगेगा सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में, तो समय कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, यानी 500 सेकंड। सही उत्तर क्या चला जाएगा? तीसरा व चौथा, या तो 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड, एक ही बात है। 8 मिनट में कितने होंगे? 480 सेकंड प्लस 20 कितने हो गए? 500 सेकंड। कितने हो गए? 500 सेकंड। नीरज सैनी, सही उत्तर क्या होगा? डी। सही उत्तर क्या होगा? डी। तापमान की SI यूनिट क्या है? तापमान क्या है, किसमें मापा जाता है? डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फारेनहाइट में और केल्विन, तीनों में मापा जाता है। परंतु इसकी SI यूनिट जो है वो कौन सी है? डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फारेनहाइट है या केल्विन है? तो जो तापमान है उसकी SI यूनिट क्या है? SI इकाई क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, है ना भाई। अब डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फारेनहाइट में बदलने का सूत्र है ना, थोड़ा सा फिर से लिख रहा हूं मैं ना, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एफ माइनस 32 5 बटा 9, या क्या होगा? डिग्री फारेनहाइट बराबर डिग्री सेंटीग्रेड 9/5 प्लस 32, या तीन नंबर क्या है? केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। इन तीनों में से कौन सा सूत्र है जो डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फारेनहाइट में बदलेगा? तो डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास है, ज्ञात क्या करना है? फारेनहाइट ज्ञात करना है, ये वाला सूत्र लगाएंगे, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड में जितना मान है वो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, इंटू 9/5 प्लस 32, तो किसका मान आ जाएगा? डिग्री फारेनहाइट का मान आ जाएगा। डिग्री फारेनहाइट ज्ञात करना है तो प्लस 32 होगा, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड ज्ञात करना है तो माइनस 32 होगा, है ना। क्या होगा? माइनस 32। यहाँ पे क्या है? 9/5 है, ऊपर क्या होगा? 5/9। और केल्विन का तो आसान सा है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। 273 में जितना डिग्री सेंटीग्रेड है वो जोड़ दो, किसका मान आ जाएगा? केल्विन का मान आ जाएगा। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में आर्गन, है ना, आर्गन क्या होती है? गैस होती है। आर्गन क्या होती है? गैस है। तो वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी होती है? 78%, 20.9, 0.93, 0.04%। होती है अभी नाइट्रोजन। किसकी बात कर रहे हैं? अपने वायुमंडल की बात कर रहे हैं या मृदा की बात नहीं कर रहे? नमस्ते, 20.9% होती है ऑक्सीजन, 0.93% होती है क्या? आर्गन, और 0.04% क्या होती है? CO2। यदि यही बात, है ना, यही मात्रा ppm में पूछ ली जाए, यही मात्रा किसमें पूछ ली जाए? पार्ट्स पर मिलियन ppm में, तब कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल आसान सा सूत्र है कि जितना ppm अपने पास है, जितना प्रतिशत अपने पास है, जैसे 0.93% है, उसको गुणा कर देंगे 10^4 से, गुणा कर देंगे 10^4 से, तो कितना आ जाएगा? 9300 ppm, है ना, 9300 ppm। अब ये ppm है, इसको वापस किस में बदलना है अपने को? प्रतिशत में। तो जो ppm है ना, उसमें भाग कर दे देंगे 10^4 का, तो कितना आ जाएगा? 0.03%, 0.03%। 10^4 का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 0.93%। कितना आ जाएगा? 0.93%।
नमस्ते भाई मनीष। पता लग गया अभी पीपीएम को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे और प्रतिशत को पीपीएम में कैसे चेंज करेंगे। एक फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल बेसिक सा, जो मैंने खुद ने बनाया है, 0.93 या ऐसे लिख दो प्रतिशत गुणा 10 की पावर 4। प्रतिशत में जो वैल्यू है ना, 10 की पावर 4 से गुणा कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा अपने पास, पीपीएम का। किसका आ जाएगा, पीपीएम का, है ना। अपने पास क्या है, पीपीएम है, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है, भाग दे देंगे 10 की पावर 4 का, किसका मान आ जाएगा, प्रतिशत का। किसका मान आ जाएगा, प्रतिशत का, परसेंटेज का। ओजोन मापने की इकाई को क्या कहते हैं, ओजोन मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, जूल, ऑक्टा, टॉप्सन या लक्स। कौन सी यूनिट है जिसके द्वारा ओजोन मापी जाती है ना, ओजोन या ओजोन की मोटाई बोल सकते हैं, ओजोन की मोटाई, ओजोन की मोटाई। ओजोन मापने की इकाई जो है वो कौन सी है, डॉप्सन। कौन सी है, डॉप्सन यूनिट, DU, है ना। कौन सी यूनिट है, डॉप्सन यूनिट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन है वो किस मंडल में पाई जाती है, किस मंडल में या किस स्फीयर में पाई जाती है, अपन मौसम विज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन किसके चल रहे हैं, मौसम विज्ञान। क्या मौसम विज्ञान, है ना। एक होता है मौसम, एक है जलवायु, एक है जलवायु, एक है मौसम और एक है जलवायु। मौसम किसको बोलेंगे, कोई भी स्थान विशेष, है ना, किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन दशाओं को, अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। जलवायु, है ना, जलवायु किसको बोलेंगे, किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन, दीर्घकालीन दशाओं को जलवायु कहा जाता है, ठीक है। जलवायु को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई, क्लाइमेट। क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। इसको क्या बोलेंगे, वेदर। पता लग गया कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है ना। क्लाइमेट से बना है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट से बना है क्लाइमेटोलॉजी, है ना, और वेदर से बना है मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान। दोनों ही शब्द जो हैं वो किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के। किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के हैं, है ना। तो ओजोन मापने की इकाई कौन सी है, डॉप्सन है। ओजोन किस मंडल में पाई जाती है, बात क्या चल रही थी कि ओजोन जो है वो किस मंडल में पाई जाती है ना। तो जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल है उसको किन भागों में बांटा गया है, बात करते हैं। सॉरी, 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18, 18 से 25, 25 से 50, है ना, 50 से
50 से 80 और 80 से 1600 किलोमीटर में है ना, किसमें है, किलोमीटर में है। सबसे नीचे का मंडल है, सबसे नीचे का मंडल क्या होगा, क्षोभ मंडल, क्या होगा, क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या होगा, समताप मंडल, क्या होगा, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में क्या होगा, मध्य मंडल, क्या होगा, मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद में क्या होगा, थर्मोस्फीयर यानी ताप मंडल, है ना, या बोल दिया जाता है इसको आयन मंडल, है ना, क्या बोल दिया जाता है, आयन मंडल, है ना। आयन मंडल क्या होगा, 80 से 300 किलोमीटर रेंज तक, तो क्या होगा, आयन मंडल। और 300 से 1600 किलोमीटर तक ताप मंडल। इसका मतलब क्या है, जो वायुमंडल है उसको 8 से 1600 किलोमीटर तक माना जाता है ना, इसका जो फैलाव है वो 8 से 1600 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब क्षोभ मंडल सबसे नीचे, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या होता है कि सबसे नीचे की परत कौन सी है, वायुमंडल की क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर की कौन सी है, ताप मंडल, ठीक है। और ओजोन गैस किस में पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में, है ना, ओजोन गैस किस में पाई जाती है, समताप मंडल में। और मध्य मंडल में इसकी क्या खास बात है, ये सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है। यहां पे एक टर्म आती है लैप्स रेट, क्या आती है, लैप्स रेट। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, है ना, तो पर किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान जो है उसमें गिरावट होती है, तापमान में गिरावट होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, लैप्स रेट, क्या बोला जाता है, लैप्स रेट। तो जितनी भी वायुमंडलीय क्रियाएं हैं, जैसे मौसम, है ना, जैसे मौसम खराब होता है अपने, वर्षा आती है, ओलावृष्टि होती है, है ना, तो वर्षा होना, है ना, आंधी, तूफान, तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं वो किस मंडल में होंगी, वो होती है क्षोभ मंडल में। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, चार स्फीयर है। अब ये क्या होती है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक परत होती है ना, जो अलग करती है किसको, समताप मंडल और क्षोभ मंडल को, इसको बोला जाता है ट्रोपोपोज, क्या बोला जाता है, ट्रोपोपोज। इसको बोला जाता है स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज। इसको क्या बोला जाता है, मीजोपोज, मीजोपोज। और इसको, इसके बाद में क्या है, थर्मोस्फीयर, इसके बाद में क्या है, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर के बाद में क्या है, थर्मोस्फीयर, ठीक है। समताप मंडल में जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे पर किलोमीटर ऊंचाई बढ़ेगी, तब वैसे वैसे तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। अब बात करते हैं मध्य मंडल, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान क्या होगा, कम होगा, तभी इसको क्या बोला जाता है, सबसे ठंडा मंडल, क्या बोला जाता है, सबसे ठंडा मंडल, ठीक है। अब जो समताप मंडल है वो किसके लिए फेमस है, वो ओजोन के लिए है, और ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है, DU, डॉब्सन यूनिट, क्या होती है, डॉब्सन यूनिट। ओजोन होल का नाम सुना होगा आपने, ओजोन छेद, ओजोन छेद का मतलब क्या है कि ओजोन की जो मोटाई है वो लगातार कम होती है, लगातार कम हो रही है, है ना, तो इसको मापने की इकाई DU है। कम होने का मतलब क्या है, ओजोन होल, और कम होने से क्या हानियां हो सकती है, ओजोन क्या काम करती है, ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली यूवी रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनको रोकती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो जैसे ओजोन पतली होगी, है ना, तो सारी की सारी यूवी रेज है ओजोन के द्वारा ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, तो क्या जाएगी, पृथ्वी पर आएंगी, जो मनुष्यों के लिए या पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है ना, बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। पार, PAR, है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR का मतलब क्या है, प्रकाश सक्रिय विकिरणें, प्रकाश सक्रिय विकिरण, ऐसी विकिरणें, है ना, जो जिसको क्या कर सके, पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनकी रेंज क्या है, 0 से 0.3 μ और 0.3 से 0.4 μ, 0.4 से 0.7 μ या 0.7 से 1 μ। μ का मतलब क्या, माइक्रोन, क्या इकाई है नापने की, ठीक है। यदि बात करें नैनोमीटर की, है ना, तो
सही उत्तर क्या होगा इसका, 0.4 से 0.7 म्यू, 0.4 से 0.7 माइक्रोन है ना, और नैनोमीटर में बात करें तो 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर। यदि इस रेंज से जो PAR है ना, इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये इस रेंज से जो विकिरणें हैं उनकी रेंज जो है ज़्यादा है तो कैसा इफेक्ट देंगी, वो देंगी थर्मल इफेक्ट। कैसा इफेक्ट देंगी, थर्मल इफेक्ट है ना, गर्मी। कैसा इफेक्ट देंगी, गर्मी। और इससे यदि कम है तो कम वाली विकिरणें कौन सी है, जैसे एक्सरे है, जैसे गामा रे है ना, जैसे एक्सरे है और गामा रे है ना, शॉर्ट वेवलेंथ वाली। बिल्कुल भी 0.4 से 0.7 म्यू। अब क्वेश्चन आता है कि PAR मापने की इकाई कौन सी है, PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को मापने की इकाई कौन सी है, आइंस्टाइन यूनिट है, वाट पर मीटर स्क्वेयर है, या दोनों है, या कोई नहीं है, दोनों है या कोई नहीं है। तो PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को मापने की इकाई जो है वो आइंस्टीन इकाई भी है और वाट पर मीटर स्क्वेयर भी है, और वाट पर मीटर स्क्वेयर भी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, दोनों। इसका क्या उत्तर क्या होगा, दोनों है ना। एक बार में कितने एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, एक बार में जैसे अपन ने पढ़ा था कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं, कितने पास्कल होते हैं, वैसे ही एक बार में कितने एटमोस्फेरिक होते हैं, कितने एटीएम होते हैं। एटीएम भी क्या है, दबाव मापने की इकाई है, 1.98 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 0.98 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 0.1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, या 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर। गोकू बिल्कुल भी हीरो बनाएंगे आपको ना, बिल्कुल हीरो बनाएंगे, 0 से हीरो चलेंगे है ना, जो जीरो है उनको भी हीरो बनाएंगे, हीरो तो पहले से हीरो है। तो एक बार में 0.98 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, एक बार में 0.98 है ना, 0.98 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं। क्वेश्चन तो हो गए भी अपनी खत्म है ना, इसके बाद अपन बेसिक सी बात कर लेते हैं ना, थोड़ी सी मौसम विज्ञान के बारे में। मैंने बताया था मौसम व जलवायु, मैंने बताया था मौसम व जलवायु, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में मौसम विज्ञान के पितामह कौन है, भारत में सॉरी विश्व में मौसम विज्ञान के पितामह कौन है, भारत में कौन है और विश्व में कौन, किसकी बात करी है, मौसम विज्ञान, किसकी बात करी है, मौसम विज्ञान। भारत में LA रामदास और विश्व में DN वालिया, DN वालिया। अब बात करें जलवायु की, तो जलवायु के जनक किनको बोला जाता है, कोपन, किनको बोला जाता है, कोपन, किनको बोला जाता है, कोपर, ठीक है, याद रखना। मौसम विज्ञान के जनक कौन है, भारत में LA रामदास और विश्व में DN वालिया, और जलवायु विज्ञान के जनक कौन है, कोपन, कौन है, कोपन। वेलकम भाई, नमस्ते नमस्ते भी मोना। इसमें अपन क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, मौसम विज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो सोलर विकिरण, जो प्रश्न है वो किन टॉपिक से रिलेटेड होंगे, सोलर विकिरण हो गया है ना, वर्षा हो गई ना,
आर्द्रता, कि मौसम के घटक कौन कौन से हैं, है ना, जलवायु के घटक कौन कौन से हैं, वायुमंडल के घटक कौन कौन से हैं, है ना, तापमान हो गया, सोलर विकिरण हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, और क्या होता है भाई, बायोलॉजी की क्लास भी लगेगी भी, है ना, बायोलॉजी की क्लास बिल्कुल भी, अले रामदास दीन वालिया इन वर्ल्ड, बायोलॉजी की क्लास भी होली के बाद लगाएंगे एक दिन, है ना। एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास कब लोगे, लेंगे भी एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास भी लेंगे, है ना। ठीक है भाई, है ना, यदि किसी को कुछ पूछना हो मौसम विज्ञान से संबंधित, अभी तो क्या है कुछ ही टॉपिक क्लियर हुए हैं, है ना, कुछ ही टॉपिक से प्रश्न जो है मैंने बनाए थे, इसके बाद अपन जो आगे के बच्चे हुए हैं उनसे भी करेंगे, 3 या 4 दिनों में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, 3 से 4 दिनों में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो मौसम विज्ञान से संबंधित तो वो पूछ सकता है। नो डाउट, बताओ भाई, बीच में आप कहाँ चले गए थे, यही था अभी बीच में, मैं बीच में कुछ एग्जाम्स चल रहे थे कॉलेज के तो क्लास ले नहीं पाए, है ना। तब अपनी क्लास जो है वो रेगुलर रहेगी, क्लास क्या रहेगी, रेगुलर रहेगी। ठीक है, रेगुलर का मतलब क्या है, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो। कोई बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता, मेट्रोलॉजी, धीरज कुमार भी क्लास की शुरुआत में बताया है कि मेट्रोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो मेट्रोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिन शब्दों के पीछे लॉजी, जिन शब्दों के पीछे नोमी लगा हो वो कौन सी भाषा के होंगे, ग्रीक भाषा के होंगे, है ना। पोमोलॉजी एक एक्सेप्शन है, पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक दोनों का होता है। ठीक है, तो अपन क्या कहाँ थे कि रेगुलर क्लासे लगेगी, जीरो टू हीरो आपको बनाएंगे, जिस व्यक्ति को है ना कुछ नहीं आता, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता उसको भी क्या बनाएंगे, हीरो, और जिसको सब कुछ आता है वो अपने आप में हीरो है, है ना। जैसे सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, मौसम विज्ञान, है ना, मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान से जितने भी MCQ, है ना, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे पहले तो वो पढ़ेंगे, है ना, जितने भी MCQ बन सकते हैं, जितने इम्पोर्टेंट, है ना, या जो पिछले साल या उससे पिछले साल या पहले एग्जाम में आए हुए हैं तो वो पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद अगला चैप्टर लेंगे, दूसरा चैप्टर, जैसे ड्राई फार्मिंग हो गया, जैसे शुष्क खेती, उसके बाद पढ़ेंगे इरिगेशन, सिंचाई, उसके बाद सीड, है ना, उसके बाद टिलेज, उसके बाद वीड, खरपतवार, है ना, उसके बाद क्रॉप्स पढ़ेंगे, फसलें पढ़ेंगे, फसलों से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद सोइल शुरू करेंगे, है ना, सोइल साइंस के अंदर ऑक्सीजन मिनरल है, है ना, सोइल इरोजन है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नमस्कार भाई बोपसा, कैसे हो, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम करते हैं, है ना, तो कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद भाई। होली का प्रोग्राम भी बनाएंगे, है ना, तो
आप सभी को भी होली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। कल भी क्लास होगी भी? लग गया था।